में उत्साह के साथ आगे बढ़ना चाहिए। चलिए अब राशि पर एक बार फिर से गौर फरमा लेते हैं। हमने कर्क राशि तक जाना था कि कैसा रहेगा साल 2014 उनके लिए, और अब बात कर लेते हैं सिंह राशि और साथ ही साथ वर्गों के बारे में। जी बिल्कुल गायत्री, सिंह राशि वाले जातकों के लिए यह वर्ष विशेष उपलब्धि से परिपूर्ण रहने वाला है। मंगलकारी परिस्थितियां बनेंगी, व्यापार कारोबार का विस्तार होने के संकेत दिखाई देते हैं। बहुत सरल सा उपाय आपको करना यह है सिंह राशि वाले जातक लोगों को, कि तांबे का एक सिक्का ले लें, उसको लाल धागे में डाल करके अपने गले में पहनते हैं तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कन्या यानी वर्गो राशि वाले जातक लोगों के लिए क्या स्थिति बनती है 2014 में। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए यह वर्ष जो है श्रेष्ठ ही नहीं श्रेष्ठतम रहने वाला है। जितने भी आपके रुके हुए कार्य थे वह सब परिपूर्ण होंगे। कोई बड़ा रोग यदि आपके साथ काफी समय से चल रहा था तो उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी और भाग्य का पूरा सहयोग समर्थन आपको मिलेगा। बुधवार के दिन देवी दुर्गा के मंदिर में जाकर के नारियल और चुनरी अर्पित करना चाहिए। कपूर से माता की आरती कर लेने से आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। कुछ मेवे वाले बादाम मंदिर के आसपास जो कन्याएं बैठी होती हैं उनको यदि आप माता को भोग लगा के अर्पित कर दें तो इससे आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी। बिल्कुल मधु जी,